अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपके सामने एक लोहरी कूलर नज़र आ रहा है। गर्मी का सीज़न है और लोहरी कूलर ना हो तो ये ऐसा होना नामुमकिन है। ये गरीबों का बादशाह होता है और इसके बगैर गर्मियों में गुजारा नहीं। लेकिन इसकी हवा जो थ्रो थी वो ठीक नहीं थी, तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ करना था कि लोअर्स एडजस्ट करनी है। तो ये लोअर्स मैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने लादा से ख़रीदी हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये भी वीडियो शेयर करें, इसके साथ मोटर वगैरह एडजस्ट करके आपको दिखाएं कि कैसे आप घर पे ख़ुद ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आप का जो एयर है वो लेफ़्ट राइट भी होगी, अप डाउन भी कर सकें, एडजस्ट कर सकते हैं। इसका ये नुकसान है कि एक ही जगह पे सिर्फ इंडस्ट्रियल फ़ैन की तरह ही हवा लगती है सिर्फ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास सब मेन जो चीज़ें होनी चाहिए, सामान होना चाहिए। ये 4 इंच का एक नट बोल्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। ये एक सिलेक्टर स्विच है, ठीक है जी। ये उसकी नाब है जो हमारी मोटर के साथ काम आएगी, ठीक है। और ये एक पुरानी मोटर मैं आपको दिखाने के लिए लेके, ये इस तरह की मोटर होती है जो हम लोअर के साथ मूव करते हैं, जिससे जो लोअर हैं ऑटोमेटिक थ्रू मूव होते रहते हैं, ठीक है जी। तो बस ये मेन चीज़ है। बाकी तो आपके पास जो औजार हैं वो तो तकरीबन हर बंदे के पास घर में होते ही हैं, मेन चीज़ें जो प्लास या ये वो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। ये जो सुराख आपको नज़र आ रही है, सिलेक्टर स्विच लगाने के लिए मैंने किए हैं। आप अगर आपके पास ये लाजमी नहीं है कि आप यही सिलेक्टर नया लगाएं, आप जो पहले सिलेक्टर स्विच लगेगा पंप वाला उसके साथ भी इसको कनेक्शन। ये मैंने इसको उतार पीछे से, ये मैंने इसको उतार लिया इस फ्रेम को, ठीक है जी। फ्रेम को उतारने के बाद हमने सबसे पहले ये सुराख किया। ये सुराख आप इस तरह के पिचकस से भी कर सकते हैं निशान लगा के, या इसको आप स्टील की मदद से भी ये कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप ड्रिल मशीन की मदद के भी सुराख कर सकते हैं। ये एक सुराख इधर हमने की है, एक सुराख हमने इधर की है, एक सुराख यहाँ पे की है, एक सुराख इधर की है। ये हमने सबसे पहले यहाँ पे एडजस्ट करके ये फासला, तो यहाँ पे निशान लगा के हमने सुराख कर लिए। बाद में ये इसके साथ हमने इसको अटैच कर लिया, इससे जेन्युइन ये एडजस्ट होगा। तो ये मैं कर लूँ, फिर आपसे जो है ना वायरिंग के कनेक्शन जो है वो मैं फिर आपको डीपली बताऊँगा। ये देखें वाशल इसके साथ लाजमी लगेगी, वाशल लगने से ये इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है जी। अब हमारा जो अगला प्रोसेस रह गया वो मेन काम है वायरिंग का। वायरिंग बड़ी मेन चीज़ है। ये आपके पास इस तरह का कोई डिजिटल मीटर होना चाहिए या कंटिन्यूटी वाला मीटर होना चाहिए, ठीक है, या सीरीज बोर्ड होना चाहिए, जिससे फिर आपने ये देखें ये इसको मैंने ये बजर पे रख लिया। आपको ये साउंड भी आ रही होगी, ये आपको साउंड आ रही होगी, ठीक है जी। हमने सिलेक्टर स्विच के ये तीन पॉइंट बने हुए हैं, 1, 2 और 3। हमने इसके ये कंटिन्यूटी देखनी है जिस पे ये शो करेगा, हमने वो 2 पॉइंट हमें चाहिए जिस पे ये कंटिन्यूटी शो करेगा, क्योंकि 3 पॉइंट होंगे तो हमें ये देखें नहीं कर रहा, ये देखें इस पे नहीं बोलेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जिसके ऊपर ये देखें, अभी मैं ये बटन ऑफ करूँगा, ये नहीं हो रहा, अभी बटन ऑन किया ये हो गया। आपने एक तार इस पॉइंट पे लगा देने, एक इस पे लगा दे, इसको आप ऐसे टर्न कर देने, ठीक हो गया जी। अब इसको मैं एक दफ़ा एडजस्ट कर लूँ, यहाँ पर फिट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। ये पेच हमने टाइट कर दिया इसके साथ, और इस तरह की जो हमारी नाब है हम इसके साथ ऐसे ये एडजस्ट कर लें। जैसे अब हमारी ये मोटर के साथ अभी हम इसके कनेक्शन भी करने हैं। ये हमारी ये मोटर है, आपको मैं दिखाता हूँ ये मोटर के।
वायर्स को देख के आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इतनी ज़्यादा वायर्स हैं कि आपने ये नहीं कहना कि ये अब मैं किधर लगाऊं क्या करूं। आपको मैं सिंपल ये देखें, ये हमारी मेन वायर आ गई, ठीक है। दो दो तारे होती हैं जो मेन की आती हैं, ठीक है जी। अब ये वायर नीचे जा रही हैं, जो नज़र आ रही होंगी ये सारी तारें मोटर के साथ जा रही हैं और पंप के साथ जा रही हैं, ठीक है। दो तारे पंप में जा रही हैं और तीन तारे जो हैं ये मोटर के अंदर साथ जा रही हैं, ठीक है जी। अब ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट ओपन हो गए। ये सिलेक्टर स्विच हमारा जो है, ये हमारा इसका पंप का है, ठीक है जी। ये हमारा जो सिलेक्टर स्विच है, ये हमारा फ़ैन का है। इसमें हाई, इसकी जो तारे ज़्यादा हैं, तीन तारे हैं, ये इसकी हैं हाई और लो स्पीड है, ठीक है जी। ये इसकी वायर्स हैं जो हमारा पंप है, इसमें से ऑन ऑफ के लिए हमें चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह हमें ये सिलेक्टर स्विच भी ऑन ऑफ के लिए हमने ये लगाया, और ये हमारी कूलिंग वाली जो मोटर है उसके साथ हमने इसको एडजस्ट करना है। तो जो मेन मेन वायर आ रही है, ठीक है, ये देखें, ये एक न्यूट्रल की वायर हमारी होगी, एक हमारी फेज़ की वायर होगी। ये देखें, दो दो वायर्स बाहर से आ रही है, एक न्यूट्रल की आएगी, ठीक है जी, एक फेज़ की आएगी। जो फेज़ की वायर है वो सीधी आपकी जो है जनाब यहाँ से इस पॉइंट में भी चली जाएगी, ठीक है, और इस सिलेक्टर स्विच में भी चली जाएगी। मतलब कि जो हमारा सिलेक्टर स्विच है इसमें फेज़ जाता है कोई, क्योंकि ये बटन के तौर पे काम करता है, कंट्रोल है, कंट्रोल में हमारा फेज़ जाएगा, न्यूट्रल नहीं जाएगा। न्यूट्रल हमारा सिर्फ जो ये हमारी लाइट है, लाइट को न्यूट्रल चाहिए था, तो इसको एक मेन यहाँ से हमने इसको ये देखें, ये न्यूट्रल हमारा सिर्फ लाइट में गया है और सीधा मोटर में चला जाएगा, ठीक है, कॉमन के तौर पर जाएगा उसमें मोटर की वायरिंग में, ठीक है जी। तो अभी हम मैं इसको वायरिंग लगाना आपको दिखाता हूँ, वीडियो लंबी हो। ये हमारी वायर यहाँ पे अटैच होगी इसके साथ, ठीक हो गया जी। अच्छा व्यूअर्स, अब ये वायर्स हमारी, ये जो मोटर की हमारी दो वायरें आ रही थी, ये सिलेक्टर स्विच के हमारे इस पॉइंट पे वायर के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ये हमारी इसके साथ अटैच होगी, और ये वायर जो है हमारी ना, ये हमारी जो न्यूट्रल आ रही है मेन वायर से हमारी, उसके साथ ये अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया, ये पॉइंट, ये मेरी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। ये समझ आ गई, ये जो मोटर की दो तारें थी, एक हमने न्यूट्रल के साथ लगा दी जो वायर से आ रही है, ठीक है जी। एक जो वायर थी हमने सिलेक्टर स्विच के ज़रिए कंट्रोल किया, क्योंकि फेज़ यहाँ से लेके हमने इसको दिया, यहाँ से फेज़ से के ज़रिए हमने इसको कंट्रोल कर दिया, ठीक हो गया। अब टेपिंग रह गई इसकी, मैं टेपिंग कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टेपिंग नज़र आ रही है, आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर टेपिंग करनी है, क्योंकि नमी होती है तो इससे फिर जॉइंट शार्ट नहीं होती। व्यूअर्स, लोअर्स की मूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी, जो अभी ये देखे मैंने इसको अभी ऑफ कर दिया है, ठीक है जी। अभी दोबारा ऑन करने लगा हूँ, अभी फ़ैन को भी मैं बंद करूँगा क्योंकि शोर की वजह से फ़ैन को मैंने ऑफ़ कर दिया, और देखें अकेले में मैंने इसको मूविंग मोटर को ऑन किया है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको नज़र आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस।